हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर वेल इन केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 2020 बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं आज आपको की पॉइंट्स बताने वाली हूं जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम लिखते समय, तो वो आपको याद रहें और आपको पता चले किस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। और उसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको बायो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट एंड हिस्ट्री सिविक्स के सारे चैप्टर्स अवेल करने हैं देन यू हैव टू पे ₹119 पर मंथ। फॉर दैट क्लिक ऑन द जॉइन बटन नाउ। और हमने मेंबरशिप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज ऑन फेसबुक। सो देखिए, जैसे आपका हमने पेपर देखा था आईसीएसई की ऑफिशियल साइट पे, तो उसमें ये था कि इट वॉज फॉर 80 मार्क्स, उसमें भी पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, ये सेम होता है जैसे आपका फिजिक्स का था, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें भी। तो पार्ट ए वाज ऑफ 40 मार्क्स, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड पार्ट बी ऑफ 40 मार्क्स, सेम, तो टोटल विच मेक्स 80। तो देखिए, अब जो बच्चे पूछते हैं काइंडली टेल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके लिए मेरे पास सेम आंसर है दैट ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो पार्ट ए है वो कंपल्सरी पार्ट है, यू डोंट हैव एनी चॉइस इन पार्ट ए, तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तभी आपको पार्ट ए सॉल्व करने में ईजिली आप मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो इसलिए प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स। अब बात आती है पार्ट ए में ना कॉम्बिनेशन रह सकते हैं, क्योंकि देखिए पर क्वेश्चन आपको मिलता है पार्ट ए में 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का होता है। ओके, 5 मार्क्स का, तो मतलब 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही रहेगा और यहाँ से ये सीरीज कंटिन्यू होगी टिल 8 क्वेश्चंस तक, क्योंकि 5 × 8 = 40। अब रहता है कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है उसमें आपको नॉर्मली मिलते हैं मैच द कॉलम, मैच द कॉलम रहता है, उसके बाद मैच द कॉलम के बाद आता है टिक द करेक्ट आंसर, चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, या कभी कभार 10 मार्क्स का भी आ जाता है। ये कभी कभार फिर ये वेरिएशन हो जाता है कि 10 मार्क्स का टिक द करेक्ट आंसर आता है, जैसे अभी लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में यही था कि टिक द करेक्ट आंसर 10 मार्क्स का था, मतलब 10 क्वेश्चंस थे, उनके आपको चॉइस के कुछ आंसर्स आपको बताने थे, तो ये था कि फिर क्वेश्चन रिड्यूस हो गए थे 2 7 मार्क्स। ओके, और फिर क्या होता है कभी कभी ये 5 मार्क्स का भी आता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काउंसिल। उसके बाद आपके पास आते हैं फिलअप्स आ जाते हैं कि दिस गैस वॉज यूज फॉर प्रिपेयरिंग दिस गैस, या फिर नेम द HCl वॉज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा था, डायल्यूट था, सल्फ्यूरिक था, ऐसे सब बताना पड़ता है, तो फिलअप्स आ जाते हैं। गिव रीजन आ जाता है कि गिव रीजन, न्यूमेरिकल आ जाता है 5 मार्क्स का, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते, कभी कभार हाफ हाफ मार्क का आ जाता है, 2.5 और 2.5 का, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काउंसिल। उसके बाद आपको आता है IUPAC नेमिंग, 5 मार्क्स के आते हैं कि 5 आपको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे देते हैं, उनका बताते कहते हैं कि आप IUPAC नेम बताएं, तो इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती, अगर आपका पूरा सही है तो 1 मार्क्स, एल 0, सो इट इज डायरेक्टली 0 और 1, बीच में कोई इसका रास्ता नहीं है। IUPAC के बाद आपको कई बार आ जाता है गिव रीजन हो गया, प्रिपरेशन आ जाती है कि गिव द प्रिपरेशन फॉर HCl, गिव द प्रिपरेशन ऑफ प्योर वाटर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये आ सकता है गिव द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस विद प्रॉपर लेबल एंड डायग्राम, तो ये आ सकता है 5 मार्क का। कभी कभार कुछ नहीं तो प्रिपरेशन 2 2 मार्क्स की, 2 गैसेस की पूछ लेंगे, 2.5 2.5 की, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द सिनेरियोस कि आपको मैच द कॉलम के लिए भी प्रिपेयर रहना है, करेक्ट आंसर के लिए भी, फिलअप्स, गिव रीजन, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स, IUPAC प्रिपरेशन के लिए, सब के लिए। और कभी कभार एक ही आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज एडेड टू व्हेन गैस वन, मतलब कोई भी ऐसे अमोनिया इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, गिव द प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का कि आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं, रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। और दूसरा तो आता ही है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज द मस्ट क्वेश्चन, ये तो 100% आएगा ही कि कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन रिएक्शंस, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड देंगे और कहेंगे कि RHS बताइए, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका, तो इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, ये आपका हो गया पार्ट बी में भी सेम ही सिनेरियो रहता है, इन दोनों को एक क्लब करके क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे, मतलब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इनसे पार्ट बी बनेगा, इसमें भी क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, और आपको इनका सब डिवीजन होगा एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स का रहेगा, ये भी सब डिवीजन, अब वो काउंसिल के ऊपर है, वो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, यहाँ पे गिव रीजंस दे सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के आपको यहाँ पे डाल देंगे,
ओके तो मतलब यही आपका पार्ट बी में रिपीट होगा। क्या पता क्वेश्चन टू में दे दें कि आपको इधर से देना है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इधर एक मोल कॉन्सेप्ट का दे देंगे, क्या पता इधर दे दें मोल कॉन्सेप्ट का और आईयूपीएसी नेमिंग दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द काउंसिल। तो मतलब यही पूरा कॉम्बिनेशन आपको अपने पेपर में ध्यान रखना है, ऐसे ही आएगा। ओके तो अब इसके ऊपर और कभी कभी आ जाता है कि पूरा 5 मार्क्स का कि एक्सप्लेन अमोनिया गैस यूजेस विद प्रिपरेशन एज वेल एज और उसके आगे के मेन केमिकल रिएक्शंस, तो ऐसे आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मेन है कि अब हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। पार्ट ए है आपका, पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं, 8 और 7, क्योंकि अगर आपका मैच आपका जो करेक्ट आंसर्स का है टिक द करेक्ट अमंग द 4, तो वो कहीं का 10 मार्क्स का आ गया तो 7 हो जाएंगे, और अगर 5 5 का आया तो फिर 8 हो सकते हैं। तो इधर आप कोशिश करें विद इन 45 मिनट्स पार्ट ए कंप्लीट कर लें, 40 नहीं तो मेक इट 50, उससे ज़्यादा ऊपर ना ले जाएं। जब आपका 50 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा पार्ट ए, तो आपके पास 120 मिनट्स में से लेट्स सब्ट्रैक्ट 50, इट इज 70, 70 मिनट्स यू हैव पार्ट बी। पार्ट बी ठीक है, पार्ट बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने, 1 2 3 4, 70 मिनट्स हैं आपके पास ऑलरेडी, अभी भी मेक इट 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो 4 × 15 मेक्स 60, तो यू हैव 10 मिनट्स फॉर रिविजन, और केमिस्ट्री में 10 मिनट्स आई थिंक मोर देन सफिशियंट है आपके रिविजन के लिए। तो इधर आप क्या कर रहे हैं, 15 मिनट्स पर क्वेश्चन दे रहे हैं, सो दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली। 15 मिनट्स तो मतलब सब डिविजन कितने को क्या हो गया, 7 to 8 मिनट्स आप पर सब क्वेश्चन को देंगे, दैट्स मोर देन सफिशियंट, बहुत ईजी है, इससे बेटर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी नहीं मिल सकती। तो ये थी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। अब आपको देखना है प्रेजेंटेशन टिप्स क्या रहेंगी। देखिए प्रेजेंटेशन टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलम का, मैच द कॉलम में आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली आप ये जिगजैग जिग क्रॉस नहीं बनाएंगे, यू हैव टू मेंशन कॉलम ए लिखिए जो आपको काउंसिल ने दिया है एज इट इज, और उनके आगे के आंसर जो है दिया हुआ है वो लिखिए। कॉलम बी में जो करेक्ट आंसर है उसको लिखिए यहाँ पे, मतलब ये जिगजैग नहीं, तो सिंपली करेक्ट आंसर लिखिए कि मतलब फोर्थ जो पॉइंट है वो इसका करेक्ट आंसर है, जस्ट राइट द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ इट। ओके फिलअप्स में डोंट कॉपी द सेंटेंस, जस्ट नंबरिंग प्रॉपर रखिएगा और आंसर लिखते जाइएगा, दैट्स इट। देखिए केमिस्ट्री में सब पार्ट्स बहुत रहते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो नंबरिंग या फिर मैं कह दूँ इसको दूसरा नाम दे दूँ लेबलिंग, लेबलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर लेबलिंग गलत होगी तो आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप क्वेश्चन तो कॉपी करते नहीं है, क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम वेस्ट होता है, तो लेबलिंग अपने ध्यान से सही रखिएगा, मेक श्योर योर लेबलिंग इज करेक्ट, रिविजन के टाइम भी अपनी एक बार लेबलिंग पे फोकस रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कभी कभार आ गए जैसे गिव रीजंस वाला, तो मेक श्योर खाली जो आस्क्ड चीज़ें हैं उन्हीं को रखें, इट्स नॉट योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर दैट यू आर राइटिंग एसेज, पॉइंट टू पॉइंट आंसर रखिएगा जो एग्जैक्ट पूछा गया है, अगर वो पॉइंट टू पॉइंट है की वर्ड लिखिए, अगर की वर्ड ही खाली है आपका 1 मार्क का हो सकता है खाली, अगर वो एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक की वर्ड तो वो की वर्ड ही आपको लिखना है, वही आपको 1 मार्क फेच करेगा, और अगर आपने 10 पेज की कहानी भी लिखी तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने वो कीवर्ड नहीं लिखा, तो मेक श्योर आप कीवर्ड सारे याद रखें। ओके अब बात आती है मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी मतलब न्यूमेरिकल्स रहेंगे याद रखिएगा, उसमें पहले फॉर्मूला मेंशन करिएगा, जैसे हम लोग सेम मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, पहले पूरा फॉर्मूला लिखिएगा कि यूजिंग द गिवन फॉर्मूला की मतलब गैस लॉ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं उनको लिखेगा, उसके बाद फिर दिएगा कि गिवन पी प्रेशर इतना है ये इतना है और उसके बाद देन सॉल्व इट, तो उससे क्या होगा आपको फॉर्मूले का ही अगर 2 मार्क का न्यूमेरिकल है यू विल गेट 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा न्यूमेरिकल सही जाता है, पर अगर बाई चांस आपका गलत हो गया तो आपको फॉर्मूला का तो 1 मार्क मिलेगा ही, तो इसलिए फॉर्मूलेज पे फोकस ज़्यादा रखिएगा, फॉर्मूला मेंशन करना ना भूलें। और यही एक सेम एपिसोड में जो रिपीट करती हूँ हमेशा, प्लीज स्टार्ट योर एवरी क्वेश्चन विद अ न्यू पेज, हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करेगा न्यू पेज से, सो दैट एग्जामिनर नोस कि यू आर स्टार्टिंग विद द न्यू क्वेश्चन, तो मतलब 10 मार्क्स का बच्चा नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जब आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप केमिकल इक्वेशन जब लिख रहे हैं, जैसे सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है ये तो आपने लिख दिया, पर अब ये गलत है, अभी भी इनकम्प्लीट है, क्यों ये इनकम्प्लीट क्यों है, आपने ये नहीं लिखा कि हीट रिक्वायर्ड थी, क्या टेम्परेचर था, इफ अगर आपकी बुक में मेंशन है तो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो जैसे आपको लिखना पड़ेगा NaOH क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज इन गैसियस स्टेट आपको जी लिखना पड़ेगा, HCl क्या था डाइल्यूट था कि
कॉन्सेंट्रेटेड था, आपको लिखना पड़ेगा लेट्स से इट्स डाइल्यूट। तो आपको यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा NaCl किस फॉर्म में बना है, गैशियस में, लिक्विड में, तो लिक्विड फॉर्म में बनता है, लिक्विड लिखें। वाटर वेपर बना है, क्या बना है, अगर गैशियस है तो गैशियस बनेगा, लिक्विड है तो क्या बना है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट हुआ है या फिर क्या कहते हैं इवेपोरेट हुआ है, आपको प्रॉपर एरोज का ध्यान रखना पड़ेगा। मेक श्योर ये सब ध्यान रखें तभी आपको 1 मार्क मिलेगा, वरना एल्स यू आर गेटिंग 0 इन दिस। मेक श्योर उसकी स्टेट्स लिखें, अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिखें, हीट है तो हीट लिखें, अगर जो वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो प्रेसिपिटेट का एरो बनाए नीचे, या फिर अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है तो ऊपर प्रॉपर एरोस मेंशन करना ना भूलें। साथ ही साथ अब दूसरी बात यह है कि ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने इक्वेरी सब कर लिया, अब फिर आता है IUPAC। IUPAC में ध्यान रखिए द वर्ड्स दैट आर, या जो आपके लेटर्स है कैपिटल में ना कैपिटल में ही लिखिएगा, और जो स्मॉल में लिखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट IUPAC के टाइम प्लीज़ मेंटेन अ नीट हैंड राइटिंग, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं है एग्जामों को तो भूल जाइए, आपको IUPAC मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर हैंड राइटिंग, और जहाँ पे जैसे comma 2 मिथाइल होता है तो ऐसे नहीं कि मतलब 2- मिथाइल, प्रॉपर मेंशनिंग करिएगा जैसे बुक में दिया है वैसे ही करिएगा, अच्छे से साफ सुथरा। और ये बच्चे कहते हैं मिथाइल का एम बड़ा बना देंगे, दैट्स रॉन्ग, तो 2 ऐसे मिथाइल जो भी आपका है ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कैपिटल है वहाँ कैपिटल ही रहेगा, और जहाँ स्मॉल है तो वहाँ स्मॉल ही रहेगा, इट्स इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।